आजकल एक केसेस आने स्टार्ट हुए हैं जिसमें लोग जिम में हैं और जिम की वजह से या जिम में उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। रिसेंटली इवन राजू श्रीवास्तव डाइड, ही वाज इन जिम। और भी काफी हार्ट अटैक्स को लोग कह रहे हैं कि जिमिंग की वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि अगर कोई अपनी अर्ली 20s या 30s में है और वो बॉडी बनाना चाहता है, तो क्या कुछ स्पेसिफिक डाइट है जो वो फॉलो कर सकता है जिससे कि उसकी बॉडी बिना कोई एडिशनल सप्लीमेंट्स लिए वो बना पाए। सेकंड, मेरा क्वेश्चन इसी चीज से रिलेटेड है जो कि हार्ट अटैक्स आजकल काफी ज्यादा हो रहे हैं। क्या ऐसा है कि एग्रेसिवली जिम करने से या एग्रेसिवली प्रोटीन कंज्यूम करने से वो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, और अगर हार्ट अटैक्स को रोकना है तो लोग किस तरीके से डाइट्स ले सकते हैं? तो आई थिंक दो ब्रॉड क्वेश्चंस हैं, एक जिमिंग के ऊपर है क्या खाना खाना चाहिए अपनी बॉडी बनाने के लिए, दूसरा क्वेश्चन है क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और कैसे हम उसको रोक सकते हैं। जिमिंग जो है वो हमने शुरू करी क्योंकि हमारे पास ओपन स्पेसेस कम हो गई। वी डोंट हैव मेनी ओपन स्पेसेस जहां जाके। मैंने पहले ही काफी एरोबिक एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी ऑक्सीजन की जरूरत है हमारे हर सेल को। हमारे बॉडी का कोई फंक्शन नहीं हो सकता अगर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, हम 4 मिनट से ज्यादा, अगर नॉर्मल इंसान, कुछ लोग प्रैक्टिस से ज्यादा टाइम तक सांस रोकते हैं, लेकिन 4 मिनट से ज्यादा अगर हम सांस, सांस क्या है, ऑक्सीजन, हम सांस क्यों लेते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम 4 मिनट से ज्यादा सांस रोकते हैं तो ब्रेन डेड होने के, हमारे बॉडी के सेल्स डेड होने के चांसेस रहे। जब हम जिमिंग करते हैं तो हम एक क्लोज एनवायरमेंट में जिमिंग करते हैं। पहली जरूरत हो गई ऑक्सीजन की, जो जी मैंने पहले भी कहा कि एरोबिक एक्सरसाइजेस करें वो ज्यादा बेटर है, जिसमें कि आपको ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगी। और जो है आपकी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो आप अगर एक्सरसाइज ओपन में कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और प्रॉपरली हर खाना ब्रेक डाउन होगा। जी आते हैं जिम, जब हम करते हैं तो हम क्लोज स्पेसेस में करते हैं, तो वो और एक कमरे में मेरे ख्याल 8, 10, 12, 15 कितने भी जो भी मशीनें लगी हैं सब लोग उसमें है, तो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन दैट इज देयर इज रिड्यूस्ड। तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? सबसे ज्यादा ओके ओके उसमें। दूसरी चीज, हमने स्लीप की भी बात की थी इसमें, कि हमारी स्लीप की क्वांटिटी लेस है जिसकी वजह से हमारा एनर्जी लेवल कम है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रही है, ऑक्सीजन प्रॉपर हमें नहीं मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस। ठीक है, जब हम जिमिंग कर रहे हैं, हमारा एक्सरसाइज का मेन कारण क्या है, क्यों करना चाहते हैं हम एक्सरसाइज? हमारा एक्सरसाइज का मेन जो फंडामेंटल कारण है वो ये है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो। ब्लड सर्कुलेशन से क्या होगा, हमारे जो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को मिले। जी ब्लड का यही काम है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाना, हर ऑर्गन में पहुंचाना, हर कॉर्नर पे पहुंचाना, और न्यूट्रिएंट्स को हर कॉर्नर पे। लेकिन अगर हमारी हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दोनों की कमी हो रही है तो हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन दोनों इफेक्टेड हो, हमारा हर ऑर्गन इफेक्टेड। ठीक है, तो ये हार्ट अटैक का कारण है कि हम क्लोज्ड स्पेसेस में जब हम जिमिंग करते हैं और ऑक्सीजन कब हम पहुंचती है? जी ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हम खाना भी ठीक नहीं खा रहे हैं, हमारी नींद भी ठीक नहीं है, तो हमें प्रॉपर कोई भी हमारे हमारे हार्मोन्स भी कम हो जाते हैं उसकी वजह से, तो प्रॉपर हमें वो चीजें नहीं। तो क्या जिमिंग करनी चाहिए? मतलब अगर मुझे बॉडी बनानी है तो क्या मैं जिमिंग कर सकता हूं? अगर कर रहा हूं तो क्या खाना चाहिए, मतलब बेसिकली उस बॉडी को बनाने के लिए, सस्टेन करने के लिए? दो तरह की एक्सरसाइजेस, जो लोग जिमिंग करते हैं उन्हें दो तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। एक तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी मेरा जिम का इक्विपमेंट है वो किसी ऐसी जगह पे हो, मतलब जो रूम हो वो खुला हो, पहली चीज, उसमें ऑक्सीजन फ्लो हो, खिड़कियां हो या वेंटिलेशन किसी भी तरीके से, दैट शुड बी वेल वेंटिलेटेड। और तीसरी चीज ये है कि मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से कौन सी एक्सरसाइजेस। अब हमारे जो जिम ट्रेनर्स हैं, हैव दे टेकन एनी ट्रेनिंग, आर दे रियली ट्रेनर्स,
वो कई बार डाइट भी बताते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि मुझे कहते हैं कि मैम वो कह रहा है कि मेरा जिम ट्रेनर कह रहा है कि सिर्फ ब्लैक कॉफी पीकर तुम 3 घंटे ट्रेनिंग करो। मैंने कहा तुम प्लीज मेरे पास मत आना बिकॉज दिस इज नॉट माई एडवाइस। क्या किया हमने, हमने वो ब्लैक कॉफी से एक तो टॉक्सिन्स बॉडी में घुसा दी, ऊपर से हम बंद कमरे में एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने अपने बॉडी के किसी सेल को कोई न्यूट्रिएंट नहीं दिया और हम उसको एक्सर्ट करा रहे हैं, वो ऑक्सीजन डेफिसिट, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सब हो रही है वहां। ओके, तो धीरे धीरे वो सेल्स जो है वो मरने शुरू हो, और धीरे धीरे ऐसे लोगों की एजिंग फास्ट हो जाती है क्योंकि सेल्स के अंदर गंद इकट्ठा हो रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है और तो उसको एग्जर्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग टू डाई, दे आर एजिंग, दे आर श्रिवलिंग अप। ओके ओके। और कॉफी पी के मैंने पानी भी खत्म कर दिया अपनी बॉडी से कि वो डिहाइड्रेटिंग है अपने हमारे बॉडी में से पानी को निकालता है, डाइयूरेटिक का काम करता है कॉफी चाय, तो पानी को भी निकाल दिया मैंने, तो अब मेरे पास पानी भी नहीं है, तो बॉडी क्या हो रही है, श्रिवल्ड अप हो रही है, वी आर एजिंग फास्ट, वी आर हमारे पास बहुत टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं जिसकी वजह से डेथ हो। Got it, समझ गए। अगर जिमिंग करना चाहते हैं दो तरह से जिमिंग, आप प्ले बास्केटबॉल, गो प्ले सम स्पोर्ट, कम से कम हम खुले में तो खेलेंगे जाकर, एटलीस्ट वी हैव ऑक्सीजन। आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, एक दोनों चीजों को कंबाइन करना है, एरोबिक एंड एनारोबिक, जो ये एक्सरसाइजेस हम बंद कमरे में करते हैं, एनारोबिक व्हिच आर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके ओके। तो या दोनों चीजों को आपको कंबाइन करके करना पड़ेगा, आपको अपने न्यूट्रिएंट लेवल, यू हैव टू एंश्योर कि आप जब जिमिंग करने जा रहे हो आपने कोई ना कोई ऐसा खाना खाया हुआ है कि आपकी मसल्स में एनर्जी है उस जिम को करने की, उस एक्सरसाइज को करने की। आप क्रिकेटर्स को देखते हो बीच बीच में स्पोर्ट्स ड्रिंक आते हैं, क्या होता है उसके अंदर एनर्जी होती है ताकि वो उनके मसल्स ब्रेक डाउन ना हो, उनके अंदर मिनरल्स होते हैं कि मिनरल्स लूज ना करें, क्योंकि हम स्वेट जब लूज करते हैं वी आर नॉट लूजिंग फैट, वी आर लूजिंग सॉल्ट, वी आर लूजिंग पोटेशियम, वी आर लूजिंग आवर मिनरल्स, हमारी बॉडी में से वो मिनरल्स निकल रहे हैं हमारे पसीने के साथ। वो आज तो मेरे को बहुत पसीना आया, भैया पसीने में तेरा फैट थोड़ी गया है, जी, पसीने में तुम्हारे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स निकले हैं, और फिर तुमने आके पानी भी नहीं पिया, तुमने आके तुम हैव नींबू पानी, हैव सम फ्रूट्स टू रिप्लेनिश योर बॉडी जो निकल गया है, एक्सरसाइज करके तुम एनर्जी यूज कर रहे हो ठीक है, लेकिन तुमने साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स जो लूज करे हैं तुम्हें उनको रिप्लेनिश करना जरूरी है। जितने भी प्लेयर्स होते हैं जो कि चाहे टेबल टेनिस, चाहे बैडमिंटन, चाहे एथलीट्स होते हैं, ये सब लोग जब वहां पर जाते हैं पहले कुछ दे हैव टू ईट समथिंग इमीडिएटली आफ्टर देयर एक्सरसाइज रूटीन, दे हैव टू ईट समथिंग ताकि उनको वो रिप्लेनिश हो जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है, उससे वो उनका वजन नहीं बढ़ता। थैंक यू दोस्तों इस क्लिप को देखने के लिए। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो इस पूरे पॉडकास्ट को देखना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरे पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए।